अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान। और आज मैं रेसिपी बताने से पहले आपको न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा आए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए और आप सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों। तो आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर मटर आलू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg गाजर ले ली हैं, इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइसेस में कट कर लिया है। और एक बड़े साइज़ का आलू है, इसमें मैंने 4 से 5 पीसेस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने 1/2 बाउल मटर ले ली है, इसको भी वॉश कर लिया है। इसमें डालने के लिए मैंने मसाले लिए हैं 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून से कम हमारे पास रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर को हम थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि इस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है, तो इसमें एक मिर्चें कम डालें। इसके अलावा 1 टी स्पून सॉल्ट है, सॉल्ट भी इसमें थोड़ा कम ही डालते हैं। 1 टी स्पून ज़ीरा है। एक छोटा बाउल हमने मेथी ले ली है, इसको साफ़ करने के बाद मैं कट कर लिया है और वॉश कर लिया है। इसके अलावा हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको हमने कट कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम स्लिट करके ऐड करेंगे। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर में 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लिया है और इसको हमने गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हल्का सा पिंकेज हो जाने देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट, इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसके जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ ही इसमें डाल देंगे सारे पाउडर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चें, और थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। पहले गैस का फ्लेम फुल कर दिया है इस वक्त मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसाले को भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और कच्ची स्मेल इसमें बिल्कुल भी ना रहे। मसाले में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है। और मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है तो इसमें ऐड कर देंगे हम गाजरें। और टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम गाजरों को इसी तरीके से भुनने देंगे। गाजर को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए टमाटर और मसाले के साथ में भून लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और तकरीबन 3 से 4 सीटियां हम लगा लेंगे कि गाजर हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो जानी चाहिए। तो कवर कर लेंगे, थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूं, और कवर कर लेंगे, 3 से 4 सीटियां लगा लेंगे। गाजर में हमारी 4 सीटियां आ चुकी हैं, इसको हमने खोल लिया है, इसके प्रेशर में इसको नहीं छोड़ा है। और गाजर को हम इस तरीके से चम्मच मार करके बिल्कुल मैश कर लेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी मैश की हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, साबुत गाजरें अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से हम मैश कर लेंगे गाजर को, और इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा जब तक हम मैश करेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने फुल किया हुआ है इस वक्त, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और गाजर भी हमारी मैश हो जाए। गाजर को हमने मैश कर लिया है और इसके अंदर जो पानी था वो भी हमने खुश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मेथी और इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और इसी के साथ साथ ऐड कर देंगे इसमें मटर, इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को हमने मोटा मोटा कट किया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, इसको मैंने इस तरह से कट कर ली हैं मोटे मोटे पीसेस में। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। गाजर में मोटे मोटे आलू डाले जाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर
अब इसमें हम तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसमें 3 सीटियाँ आ जाएं और आलू हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। इसमें पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो इसमें मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है और इसमें अब हम 3 सीटियाँ लगा लेंगे कि आलू हमारे बिल्कुल टेंडर हो जाए। कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर, 3 सीटियाँ लगा लेंगे। गाजर मटर आलू की सब्ज़ी में 3 सीटियाँ आ चुकी हैं, इसका प्रेशर हमने निकाला नहीं था, ये खुद ही निकला है और आलू तकरीबन टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, खुश्क हो गया है, पानी नहीं है इसके अंदर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये हमारा होममेड होता है, और हरा धनिया कट किया हुआ, और इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये सब्ज़ी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हमारी गाजर मटर आलू की हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी बनकर के तैयार है। जब आप इसको सर्व करें तो इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल करके सर्व कीजिए तो इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। इसको आप मक्के की रोटी के साथ में सर्व कीजिए, पराठों के साथ में सर्व कीजिए या सिंपल रोटी के साथ में भी सर्व किया जा सकता है, ये उनसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी आप हमें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।